हेलो बच्चों, आज मैं आपको दे रही हूँ उत्तराखंड का परिचय और इसके सीमावर्ती देश व राज्य। परिचय मतलब इसकी जानकारी आपको पूर्ण होनी चाहिए अगर आप उत्तराखंड पढ़ रहे हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं इसका परिचय। उत्तराखंड जिसका पहले नाम था उत्तरांचल, याद रखिए इसका स्टार्टिंग से नाम उत्तराखंड नहीं था, इसका पहले नाम था उत्तरांचल, जिसका अर्थ है उत्तर भारत में स्थित एक राज्य। इसका निर्माण हुआ है 9 नवंबर 2000 को, वो भी कई आंदोलनों के बाद। एकदम से हमने कहा और पारित हो गया, ऐसा नहीं हुआ। पहले इसके लिए राज्यसभा में इसको पारित करवाया गया 1 अगस्त 2000 को, लोकसभा में फिर राज्यसभा में 10 अगस्त 2000 को, फिर KR नारायण ने इनको मंजूरी दी थी 28 अगस्त 2000 को और इसका गठन हुआ 9 नवंबर 2000 को। ये देश का 27वां राज्य है और पर्वतीय राज्यों में देखा जाए तो इसका 11वें नंबर पे स्थान है। 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड हो गया था और ये 27वां राज्य बना था। 2000 से लेकर 2006 तक इसे हम सभी उत्तरांचल के नाम से ही जानते थे, लेकिन 1 जनवरी 2007 को स्थानीय लोगों की भावनाओं को ध्यान में रख के राज्य का आधिकारिक नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया था। क्या भावनाएं थी कि हिंदू परंपरा के जो ग्रंथ हैं, प्राचीन ग्रंथ हैं और इतिहास को अगर हम पढ़ें तो उसमें इस क्षेत्र, इस जगह का नाम उत्तराखंड के रूप में लिया गया है और भारत की सबसे पवित्र नदी जो गंगा है, यमुना है, इनके निकलने का स्थान भी यही उत्तराखंड है। गंगा का निकलने का स्थान गंगोत्री और यमुना के निकलने का स्थान यमुनोत्री, वो भी यहीं पे है। तो इन सब भावनाओं को ध्यान में रखे हुए उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड ही कर दिया गया। इसका क्षेत्रफल सबसे जानेंगे क्योंकि हम अब किसी के घर जाते हैं तो पहले देखते हैं उसका मकान कितना बड़ा है। तो अब ये राज्य बना है तो हम इसका क्षेत्रफल जानेंगे। इसका क्षेत्र है 53,483 किलोमीटर। अब इसकी राजधानी देखें तो देहरादून है और लैंग्वेज अगर देखें तो यहाँ की लैंग्वेज हिंदी थी, लेकिन 2000 में संस्कृत को इसकी सेकंड 2010 में संस्कृत को इसकी सेकंड लैंग्वेज भी घोषित कर दिया गया। और इसका राज्य चिन्ह देखें तो एक गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत की चोटियाँ हैं, उसके नीचे गंगा की 4 लहरें भी अंकित हैं और चोटियों के बीच में अशोक का लाट भी अंकित है। और इसका राज्य का उच्च न्यायालय देखा जाए तो नैनीताल में है और इस समय यहाँ पे हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योग को बढ़ावा मिल रहा है, लेकिन यहाँ का मुख्य व्यापार जो था वो है और था भी पर्यटन है, यानी घूमने लोग यहाँ आते थे, टूरिस्ट ज़्यादा। अगर हम देखा जाए तो चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई तो बच्चों हम आंसर दे सकते हैं उत्तराखंड से ही हुई थी। यहाँ का पक्षी है मोनाल, पशु है कस्तूरी मृग, वृक्ष है बुरांश, फूल है ब्रह्मकमल, खेल है फुटबॉल, वाद्य यंत्र ढोलक है, तितली है कॉमन पीकॉक। और यहाँ पे कौन सा गीत गाया जाता है, उत्तराखंड देव भूमि मातृभूमि शत शत वदन, ये वह यहाँ का गीत है। और अगर नृत्य देखा जाए तो यहाँ छोलिया और कुमाऊनी नृत्य के लिए आते हैं। उनकी यहाँ की राज्यपाल वर्तमान में है बेबी रानी मौर्य और मुख्यमंत्री अभी अभी बने हैं पुष्कर सिंह धामी। और लोकसभा की सीटें देखी जाएँ तो यहाँ पे 5 सीटें लोकसभा की हैं और 3 सीटें राज्यसभा की हैं और विधानसभा में 71 सीटें हैं। 2 मंडल हैं इसके, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। कुमाऊं मंडल में 6 जिले हैं जिसका मुख्यालय है कुमाऊं मंडल का नैनीताल। गढ़वाल में 7 जिले हैं उसका मुख्यालय है पौड़ी। पहला राज्य देहरादून बना यहाँ पे 1800, उत्तराखंड का पहला जो जिला बना था देहरादून, राज्य का पहला जिला देहरादून बना 1817 में और इसका मुख्यालय भी देहरादून था। और दूसरा जिला बना पौड़ी 1840 में और तीसरा फिर बना अल्मोड़ा 1891 में, नैनीताल वो भी 1891 में। और लास्ट जो 13वां जिला है बागेश्वर वो 1997 में हुआ। आप इसका मैप देख सकते हैं, अब मैप को देखिए क्योंकि कोई भी चित्र अगर हम देख लेते हैं तो हमें जल्दी याद होती है। तो इसके मैप आपको मैं दिखा रही हूँ, तो इसमें मैप बता रही हूँ इसके सीमावर्ती राज्य। इसके उत्तर में तिब्बत है और पूर्व में नेपाल, पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, दक्षिण में उत्तर प्रदेश। देखिए आप, ये देखिए उत्तर है ऊपर को, ऊपर को ये इसका चीन और तिब्बत जिसको है,
और आप इसके पूर्व में जाएं तो नेपाल दिख रहा है, और इसके दक्षिण में जाएं तो उत्तर प्रदेश आपको दिखाई दे रहा है, और इसके उत्तर पश्चिम में जाएं तो आपको हिमाचल प्रदेश दिखाई दे रहा है। हरियाणा इसके साथ नहीं टच होता, इसके पास है लेकिन इसके टच नहीं होता है। तो हम लिखेंगे उत्तर में चीन, पूर्व में नेपाल, और दक्षिण में उत्तर प्रदेश, और उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश।